नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। सैकड़ों शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेतन समय अनुसार भुगतान हेतु सौंपा ज्ञापन। पाकुड़ से सुमित मंडल का रिपोर्ट। पाकुड़ झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ इकाई पाकुड़ के द्वारा कोविड 19 नियमों का अनुपालन करते हुए सैकड़ों शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास वेतन समय अनुसार भुगतान के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले के सभी शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं शिक्षकों ने कहा कि पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वेतन ससमय भुगतान न होने के कारण बैंक से लिए गए लोन पर शिक्षकों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है तथा भविष्य के लिए बैंक के साथ डिफॉल्टर बना दिया जाता है। इन्होंने कहा, श्रीमान को ज्ञात होगा कि समय समय पर जो भी कार्य दिया गया उसे हम लोगों के द्वारा पूरा किया गया है, फिर भी आज तक कभी भी वेतन समय पर भुगतान नहीं किया गया, जिससे प्रत्येक परिवार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि पदाधिकारी द्वारा बार बार समय पर वेतन भुगतान की बात कही गई, मगर आश्वासन पर भी वेतन ससमय भुगतान नहीं की जाती है, इससे जरूरी सामानों की खरीदारी नहीं हो पाती है। जब भी पदाधिकारी से इस बारे में बात की जाती है तो इसके एवज में सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, आज तक ससमय भुगतान नहीं किया गया। 14 तारीख होता है, 21 तारीख होता है, ये सब हम लोग कलेक्ट किए और हम लोग यही कहना चाहेंगे जो टीचर काम करने के लिए तैयार है, टीचर पूरा ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह पुरस्कार नहीं है। मेरा मानधन जो है, मेरा सरकार जो सिलेक्ट किए वो नहीं मिलता है ना, हमेशा तिरस्कार, हमेशा दबाव, हमेशा बोला जाता है वेतन काट देंगे, लेकिन कब हम लोग को स्वीकृति मिलेगा जे हम लोग काम कर रहे अच्छा से वेतन देना। जब हम लोग का घर में भी कोई नौकरानी काम करते हैं तो वो लोग को भी हम लोग महीना के पहले ही एक दिन देने का कोशिश करते हैं, हम लोग पहले नहीं चाहिए, काम करने के बाद सही समय पर 1 से 5 तारीख तक। हम लोग का प्राण है, पेंशन नहीं है, प्राण में जो पैसा जाता है वो भी हम लोग डिफॉल्टर होते हैं, सबका लोन है 30,000-25,000 काटता है। ठीक है मैडम, ठीक है, क्या सुनना? नमिता त्रिवेदी, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पाकुड़ के सचिव।